हाय एवरीवन, आई एम शोभा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल शोभाज क्विजिन। आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड क्विक पनीर इन ग्रीन मसाला। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन मसाला, टोमेटो पूरी, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पनीर और ऑयल। ये पनीर 250 ग्राम है, वो जो मैंने पीसेस में करके रखा है। और ये जो मसाला मैंने बनाया है, दो हरी मिर्च डाली है इसमें और 15-16 लहसुन की कलियां डाली है और हरी धनिया डाल के इसको दरदरा पीस दिया है। ये 3 टमाटर की प्यूरी है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच ऑयल। ये जो मसाला है वो हमें दरदरा पीसना है। इसके लिए जो ये मसाला ग्रीन मसाला है, लहसुन वाला मसाला, पहले हमें इसमें डालना है और इसको सौते करना है अच्छी तरह से। इसकी जो कच्चापन है वो दूर करना है। इसको हम लोग अच्छी तरह भूनेंगे जैसे इसका मसाले का फ्लेवर आ जाए। इसको करीबन हम लोग 5 मिनट भूनेंगे जैसे फ्लेवर अच्छा हो जाए। इस मसाले में सबसे ज्यादा लहसुन का आता है, तो आप इसमें लहसुन अच्छी तरह से डालिए और इसको दरदरा पीस के एक ऑयल में डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी भी आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इस मसाले को हमें अच्छी तरह भूनना है, जितना हम भूनेंगे उतनी टेस्ट ज्यादा बनेगी। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हमको अच्छी तरह भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो 250 ग्राम हमने पनीर डाला है वो इसमें डालेंगे। ये बहुत क्विक रेसिपी है, आप 5 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा इसके साथ हमको भूनना है और 2 मिनट हमको अच्छी तरह से भूनना है जैसे उसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट इसको हम लोग ढक के रखेंगे। देखते हैं पनीर कैसा गया है। पनीर अच्छी तरह से भून गया है और हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे अभी रखेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इनको हाई पे रखेंगे। और 5 मिनट के लिए पनीर को पकने देंगे। देखते हैं पनीर कैसा लग रहा है। वाओ, पनीर में बहुत खुशबू आ रही है और ये सूखी सब्जी हमको खाने के लिए तैयार है। अब 2 मिनट हम लोग इसको ढक के रखेंगे और हमारा पनीर इज रेडी। ग्रीन मसाला पनीर इज रेडी। देखते हैं पनीर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आओ पनीर को डिश आउट करके प्लेट में डालते हैं। पनीर को थोड़ा गार्निश करते हैं हरी धनिया से। आप इसको रोटी नान के साथ खा सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड डिश, आप कभी भी किस समय भी खा सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, like, subscribe and share my video.